पोजीशन में चेन स्नैचिंग की जो क्राइम है बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ गया था। इसके लिए हमने एक स्पेशल जो पथक है, विशेष पथक, उसका एक नियुक्ति किया था। तो हमारे जो सपोनी विटकर है और डिटेक्शन के सारे जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज निकाले वहाँ से, और उन्होंने पाया कि दो आरोपी जो है, एक नाला सोपारा का है और दूसरा जो है वो कापुर बावड़ी का है, इन दोनों आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और कोबरखैर प्रोडक्शन के 5 जो क्राइम है, गुने है, वो डिटेक्ट हुए हैं, और 4,35,000 कीमत का जो मुद्देमाल है टोटल, वो जब्त किया गया है। और ये दोनों जो आरोपी है, इनको 7 तारीख तक अभी पुलिस रिमांड में भेजा गया है और आगे का तहकीकात जो है चालू है, वारदात का अंजाम देने का, और यह है अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो भी हम उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी का जो समद खान जो आरोपी है, इसके खिलाफ 11 गुने इसके पहले दाखिल थे और उसको 9 साल की सज़ा भी हो चुकी है। उसके बाद में वो अभी बेल आउट हुआ था, तो उसके बाद उसने ये जो गुने है चालू, हम नहीं बता सकते। हमने तो जो इन्वेस्टिगेशन करना था, हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया है, और जो भी उसके खिलाफ जो भी हमारे पास एविडेंस है वो हम कोर्ट में अभी दाखिल करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे, उसके बाद कितना सजा है वो तो कोर्ट के हाथ में। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।